हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सरगम बर्ड्स पॉइंट। और फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में देखेंगे हम टर्की, जो टर्की मुर्गी होती है, टर्की बर्ड, उसके बारे में जानेंगे। जो कि मेरे पास मैं रखा हूँ, दो फीमेल एक मेल है बड़े में, और उनका अच्छा खासा ब्रीडिंग होता है। मेरे पास चिक्स भी निकलते हैं और मैं चिक्स भी सेल करता हूँ। सो आज की इस वीडियो में वही देखेंगे हम। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। और एक मैंने, मेरे ये जो पूरा सेटअप दिख रहा है आपको, एक मॉर्निंग में व्यू लिया था मैंने, वो व्यू अभी देख लेते हैं, जस्ट सेकंड का है, और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के साथ। तो गाइस, यही है वो टर्की जो मैं बोला, ये टर्की का मेल है। मेल इस तरीके से होता है, देखिए काफ़ी खूबसूरत होता है, मोल मोर टाइप ऐसे पंख निकालता है। ये मेल होता है, और इसकी फीमेल्स भी है मेरे पास। ये मेल है और ये फीमेल है। ये एक फीमेल अभी मोल्डिंग में है, जिसके नए फेदर्स आ रहे हैं। ये एक फीमेल, और नेक्स्ट फीमेल इसका तो अंडा स्टार्ट है, अभी एक स्टार्ट है इसके फीमेल के। तो ये फीमेल के अंडे भी देखेंगे हम, क्या साइज के होते हैं अंडे, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक फीमेल है मेरा, दूसरा वाला, ये इस तरीके के अंडे होते हैं। अभी चार अंडे हो चुके हैं, ये देखिए, इसमें डॉट्स होते हैं, स्पॉटेड होते हैं एक, और थोड़ा बड़ा होता है एक देसी मुर्गी के हिसाब से। अभी चार अंडे हो चुके हैं इस फीमेल के। टर्की का मेल का वेट अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 10 से 12 किलो तक होता है, और 3.5 से 4 किलो तक की वेट में फीमेल आती है इसकी। और ये जैसे ब्रीड का देखा जाए तो ब्रीडिंग इनका कंटिन्यू होते रहता है, और ऐसा कोई सीज़न नहीं है, सीज़न वाइज ये ब्रीड करेगा ऐसा कुछ नहीं है। और एक बार में करीबन फीमेल अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 अंडे डालती है, और जिससे 20 से 25 अंडे वो खुद ही निकाल लेती है। लेकिन वो फीमेल का वेट ज़्यादा होने की वजह से कई बार अंडे टूट जाते हैं। इस वजह से आप अगर दूसरा मुर्गी के पास निकालते हैं तो आपके पास 6 भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर ये अच्छा ब्रीडिंग आपको चाहिए टर्की में तो ये तरीका अपनाइए। मैं तो वैसे ही करता हूँ, दूसरा फीमेल्स के पास लास्ट के 10 तक अंडे रख देता हूँ, बाकी के मैं दूसरा मुर्गी के पास निकाल लेता हूँ। और इसका डे ओल्ड चिक्स को ही मैं अलग कर देता हूँ इनसे, ताकि मुझे जल्दी जल्दी ब्रीड मिल सके। फास्टली ब्रीड, कंटिन्यूली फास्टली ब्रीड पे आ जाती है फीमेल, फिर से अंडे डाल देती है। अभी मेरे पास एक फीमेल के 3-4 अंडे रखा दिया था मैंने एक मुर्गी के पास, तो 3 चिक्स निकल के आए हैं छोटे, उनको देख लेते हैं। उनसे बड़े भी चिक्स मेरे पास अवेलेबल हैं। इस तरीके से ब्रीडिंग में रहते हैं चिक्स, ये टर्की के चिक्स हैं। ये 2 दिन पहले के हैं, इधर के 2 बड़े, और ये आज ही आया है, 3 चिक्स हैं, और वो एक सिल्की का है, ये 4 चिक्स हैं। इस तरीके से छोटा सा बुल्डर है मेरा, इसी में रहते सारे चिक्स। अभी गाइस समर सीज़न भी आ रहा है और गर्मी काफ़ी पड़ने वाली है। इस तरीके से मैंने मेरे सेटअप पे बर्ड्स के नेट वेट लगा दिया है, और काफ़ी कुछ हरियाली रहती है मेरे सेटअप पे, प्लांट्स भी मैंने लगाए हैं। तो एक तो मेरा ये काफ़ी अच्छा, बहुत ही खूबसूरत पेड़ है, जो कि काफ़ी अच्छा मेरे सेटअप पे, जिसको बोला जाए, छाव रहती है पूरी ऑल ओवर। ये एक ही पेड़ पूरा सेटअप को कवर कर लेता है, अच्छी खासी छाव रहती है, ज़्यादा उतना गर्मी नहीं पड़ती है। तो ये हमारी टर्की, ये मॉस्कोवी डक्स है दोस्तों, मॉस्कोवी डक्स, इसके बारे में भी हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम में जो वीडियो बनाएंगे, डक्स के बारे में जानेंगे। अब इनके बारे में, इनके मेरे पास 45 डेज के भी चिक्स हैं जो मैं सेलिंग लायक हो चुके हैं, उन वो दिखाता हूँ आपको। 45 डेज के चिक्स हैं। ये आ गए हम चिक्स के रूम में, और यहाँ पे मेरे पास 3 कलर के चिक्स हैं, वाइट, और ये जो बाहर देखे आपने इनके पेरेंट्स, ये कलर, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला कलर वो है, और ये फुल वाइट है, और इसमें जेट ब्लैक भी है मेरे पास, ये देखिए, ये जेट ब्लैक टर्की, ये भी है। और ये अभी चिक्स मेरे पास अवेलेबल हैं, जो कि सेल के लिए हैं, और आपको अगर परचेज़ करना है तो मैंने
डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दे दिया है, आप मुझे वहाँ जाके कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा मैं वहाँ तक आपको चिक्स भेज दूंगा। और ये अभी ट्रांसपोर्टेशन के लायक हो चुके हैं चिक्स, 40 डेज़ के हैं अभी, अप्रोक्सीमेटली 40 डेज़ के हैं। और वेट इनका देखा जाए तो 250 से 300 ग्राम का वेट आएगा इस तरीके से। ये सारे के सारे चिक्स ये 100 वाट का बल्ब दे दिया मैंने टेम्परेचर के लिए, जिसको अगर यहाँ काफी स्पेस है ये रूम में, तो अगर जिसको थोड़ा कोल्ड टाइप लगे तो वो नीचे जाके बैठेगा, नहीं तो फिर ये साइड में तो काफी सारी जगह है, इधर आके लोग घूमते रहते हैं तरीके से। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। ये टर्की भी बोल रहा है, कमेंट करके बताइए, लाइक कर कीजिए। सो गाइस कीप वॉचिंग सरगम बर्ड्स पॉइंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।